हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी फ्यूचर में आपका स्वागत है। गाइस, टाइपस्क्रिप्ट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टाइपस्क्रिप्ट ट्यूटोरियल है, आज का हमारा टॉपिक है टाइपस्क्रिप्ट ट्यूटोरियल में फंक्शंस। ठीक है, टाइपस्क्रिप्ट के कुछ फंक्शंस देखने वाले। फंक्शन क्या होती है, फंक्शन क्या करती है, और फंक्शन क्या रिटर्न करती है, और फंक्शन क्या प्रिंट करता है, हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा मतलब टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ और फंक्शन के ऊपर कोड करके एग्जांपल लेके हम कोड करके देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं फंक्शन क्या होता है वो मैं बता दूँ। फंक्शन क्या होता है कि ना, मतलब एक टाइप की है ना, हम कोड को रीड करने के लिए यूज़ करते हैं, उसे मेंटेन करने के लिए यूज़ करते हैं, हम उसे रीयूजेबिलिटी मतलब उस कोड को रीयूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं। कुछ लॉजिक्स होती है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, उसके अंदर कुछ लॉजिक्स होती है, हम उसे प्रिंट करते हैं, उसे कॉल करते हैं, कुछ फंक्शन मेथड रिटर्न करती है, कुछ फंक्शन कंसोल करती है। ठीक है, तो मतलब ये चीज़ सब फंक्शन करती है। हम एक लॉजिक होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, उसके अंदर लॉजिक होता है, हमारी जो हमें जो प्रिंट करना है, हमें जो आउटपुट दिलाना है, वो चीज़ एक फंक्शन के ब्लॉक के अंदर होता है। एंड देन हम उस फंक्शन को कॉल करके हम फंक्शन को यूज़ करते हैं, रीयूज़ करते हैं उसे, या फिर मेंटेन करते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ थियोरी पार्ट थी। तो मतलब एक तो बात ऑलरेडी है कि आप जावास्क्रिप्ट से आए होंगे तो ऑलरेडी आपको पता होगा फंक्शन क्या होता है, वही चीज़ यहाँ पर भी होने ही वाला है गाइस। तो ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, बस मैं आपको एक थ्योरी टाइप डायरेक्टली पूरा डीप डेप्थ में जाने बगैर डायरेक्ट ही बताया मैंने आपको, ताकि आपको फंक्शन क्या है वो थोड़ा थ्योरी टाइपली समझ जाए। एंड देन बस यहाँ पर वही जो आप जावास्क्रिप्ट में जो फंक्शन बनाते थे वही यहाँ पर होता है। बट क्या होता है कि ना, बस यहाँ पर आप एक टाइप ऐड हो गया है। ठीक है, टाइपस्क्रिप्ट है तो एक टाइप ऐड हो गया, बस ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अब फिलहाल हम एक फंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पर ऑलरेडी फाइल बना कर रखा हूँ, एक फंक्शन बना दिया, फंक्शन का नेम दे देंगे हम फंक करके। ओके, तो ऐसा हम मैं फंक करके ऐसा नेम दे दे रहा हूँ, और यहाँ पर हमारी ब्लॉक, और ब्लॉक के अंदर हम फिलहाल कुछ प्रिंट करवाते हैं, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा। ओके, फर्स्ट नहीं, और फंक्शन लिख देता हूँ, फंक्शन प्रिंटेड। ओके, तो फंक्शन प्रिंटेड हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको पता होगा, और फिर फंक्शन को आपको कॉल करना पड़ेगा, तब जाके फंक्शन को हम यूज़ कर पाएंगे। उसके लिए आपका ये देखो, ये फंक्शन है, और यहाँ पर ये आपके फंक्शन का नाम, और ये फंक्शन के अंदर, ये इस ब्लॉक के अंदर, ये कर्ली ब्रेसेस होगा फंक्शन का, और ये उसके अंदर आप जो प्रिंट करना चाहते हो, या फिर कुछ आप जो डालना चाहते हो, आपका लॉजिक जो डालना चाहते हो, कोड की जो एग्जीक्यूट करना चाहते हो, ये सब चीज़ उसके अंदर रहेगी। और इस फंक्शन का नाम लेकर, ये देखो हमने फंक्शन का नाम दिया था फंक करके, उस फंक्शन का नाम लेकर यहाँ पर आप उस फंक्शन को कॉल करोगे। ओके, तो मैं ऐसे सेव करता हूँ, सेव करने के बाद यहाँ पर मैं TSC फंक्शन कंपाइल तो करनी पड़ेगी टाइपस्क्रिप्ट को, ताकि जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाए और फिर उसे हम ब्राउज़र में आउटपुट देख पाए, TS.TS। ओके, तो यहाँ पर हो गया है, बट यहाँ पर हमें पुराना आउटपुट आ रहा है, तो हम चेंज करेंगे। देखो टपल्स है, इसके लिए हमने लास्ट वीडियो बनाया था टपल्स, तो टपल्स वाली आउटपुट आ रही है। अभी मैं सेव करता हूँ, ये देखो फंक्शन प्रिंटेड। ओके, तो हमारी ये फंक्शन यहाँ पर एक प्रिंट हो चुकी है। तो अभी हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं टाइपस्क्रिप्ट के अंदर क्या फंक्शन है वो चीज़ तो हमें देखनी ही पड़ेगी। ओके, कि मतलब किस टाइप की फंक्शन है, किस टाइप क्या करने वाली है, ये सब। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता दूँ यहाँ पर, कि मतलब हम ऐसा करते हैं, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिटर्न करता है फंक्शन कुछ, मतलब कुछ रिटर्न करवा रहा है, चलो हेलो टाइप ऐसा रिटर्न करवा रहा है। तो क्या ये मतलब होगा कुछ ऐसा, मतलब ये तो अभी फ़िलहाल मतलब जावास्क्रिप्ट वाला फंक्शन टाइप हो गया है। ओके, तो मैं यहाँ पर कंपाइल करता हूँ, कंपाइल करने के बाद आ जाएगा वो, ये देखो रिटर्न नहीं किया फंक्शन ने, कुछ भी यहाँ पर रिटर्न नहीं किया है। वैसे भी हम यहाँ पर बस फंक्शन को कॉल किए हैं, एंड देन उसने रिटर्न किया है, मतलब हम उसे कॉल करवा के ये भी तो करना पड़ेगा, हम उसे सेव भी तो करना पड़ेगा, एंड देन फिर हम उसे यूज़ करेंगे, बराबर कि नहीं। तो कंसोल से सेव भी तो करना पड़ेगा कि फंक्शन क्या होने वाला, एफ लिख देता हूँ, और फंक्शन यहाँ पर हम कॉल कर ले रहे, और फिर यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, और फिर मैं एफ लिख देता हूँ। ओके, एफ अच्छा वाला एफ है गाइस। ओके,
तो यहाँ पर मैं वापस ये लेके जाता हूँ। ये हम पूरा अभी तक जावास्क्रिप्ट में ही है, टाइपस्क्रिप्ट में अभी तक हम गए नहीं है। ये देखो हेलो टाइप हमारा प्रिंट हो गया, ठीक है। तो टाइपस्क्रिप्ट में ये पूरा अभी जावास्क्रिप्ट ही चल रहा है अभी तक। तो टाइपस्क्रिप्ट में क्या होता है कि ना, आप इस फंक्शन के बाजू में जो तो पैरेंथेसिस है वहाँ पर आप कॉलन लिख के आप अपना फंक्शन का टाइप दे दोगे, ओके स्ट्रिंग। तो आपने स्ट्रिंग दे दिया है, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है कि ना, मतलब आपने स्ट्रिंग दे दिया तो अभी ये रिटर्न तो नहीं कर सकता, अभी स्ट्रिक्टली वो स्ट्रिंग का फंक्शन बन गया है बराबर। तो उसमें कोई नंबर डाल दो तो डायरेक्टली बता देगा ये पूरा फंक्शन क्या है, स्ट्रिंग की फंक्शन है, ओके। तो मतलब ये फंक्शन का नाम, फंक्शन आई मीन फंक्शन का कीवर्ड, फंक्शन का नाम, और यहाँ पर आपके फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो मतलब आप स्ट्रिंग को ही देना पड़ेगा, स्ट्रिंग ही मैं दूंगा, क्या कर रहा हूँ मैं, स्ट्रिंग ही मैं दूंगा, ठीक है। ये चीज़ हमने सेव कर लिया है, ओके। तो अभी बराबर एग्जैक्टली एकदम रिस्पेक्टफुली हमें हमारा फंक्शन टाइपस्क्रिप्ट का फंक्शन स्ट्रिंग ही मैं दूंगा बोल के रिटर्न कंसोल में प्रिंट करेगा, ओके। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। एक काम करते हैं हम यहाँ पर, मैं इसको यहीं पर छोड़ देता हूँ और इसको भी मैं ऐसा कमेंट इन कर देता हूँ। एक काम करता हूँ और एक फंक्शन बनाता हूँ और उस फंक्शन टू देता हूँ, एक काम करता हूँ, हाँ फंक्शन टू दे देता हूँ और इसको मैं नॉर्मली यहाँ पर कॉल करता हूँ और इसके अंदर वार और डेटा लेता हूँ मैं, और फिर इसके अंदर हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। ये देखो ये टाइपस्क्रिप्ट वाला फंक्शन और ये आपका जावास्क्रिप्ट वाला फंक्शन, और ये देखो क्या करेगा, ये आपका नॉर्मल जावास्क्रिप्ट वाला फंक्शन है गाइस, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, कोई भी टाइप हमने दिया नहीं है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया हूँ, ठीक है, कि आप अपने फंक्शन को, हाँ इसके अंदर हम डेटा दे देंगे, डेटा का सजेशन भी नहीं आ रहा, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, इस हमारी फंक्शन टू जो है उसको हम कॉल कर देंगे, ओके। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, टाइपस्क्रिप्ट वाला फंक्शन किया, उसमें टाइप दे दें और रिटर्न टाइप स्ट्रिंग दे दें, तो स्ट्रिंग यहाँ पर रिटर्न कर रहा है हमें, मतलब फंक्शन हमें रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग को, मतलब यहाँ पर स्ट्रिंग ही मैं दूंगा बता रहा है। और एक जावास्क्रिप्ट वाला फंक्शन बना है, उसके अंदर हमने एक वेरिएबल दिया है, लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसके अंदर हमने इस फंक्शन को कॉल कर दिया है, और फिर उस लोकल वेरिएबल को हम प्रिंट करवा दे रहे हैं, ओके। ये वाला फंक्शन हमें प्रिंट करवा रहा है और फिर यहाँ पर हमने नीचे इस फंक्शन को कॉल कर दिया है, ओके। तो यहाँ पर मैं चलाता हूँ TSC फंक्शन एंड देन वो कंपाइल होते ही ये देखो स्ट्रिंग ही मैं दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर प्रिंट हो गई है। तो अभी आपको ये चीज़ समझा होगा, मैं अभी एक काम करता हूँ, थोड़ा सा पैरामीटर की ओर हम चलते हैं, कब तक हम एक ही चीज़ करते रहेंगे, थोड़ा पैरामीटर भी हम टाइप करके बताएंगे कि मतलब क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये देखो ये जो पूरा ये फंक्शन है इसको मैं पूरा ही कमेंट इन कर देता हूँ, एक न्यू बना दे, एकदम रेडीली फ्रेश बना दे, फंक्शन कीवर्ड यूज़ करो और यहाँ पर सम करवाते हैं हम, या फिर एक काम करते हैं स्टूडेंट लेते हैं, स्टूडेंट नाम का फंक्शन बनाते हैं जिसके अंदर दोनों चीज़ होगी, मैं सम लूँगा तो फिर दोनों तो नंबर ही रहेगा बराबर। तो आप आपका पैरामीटर यहाँ पर दोगे और पैरामीटर क्या रहेगा, सबसे पहला पैरामीटर होगा स्ट्रिंग, ओके। एक दूसरा पैरामीटर होगा ये नंबर होगा, ओके, कि ये स्ट्रिंग का नाम नल नहीं नंबर, हाँ नंबर, ये देखो ये स्ट्रिंग का नाम, और यहाँ पर हाँ ये स्ट्रिंग का नाम आई मीन स्टूडेंट का फंक्शन माना जाता है, स्टूडेंट का नाम और ये स्टूडेंट का रोल नंबर, ऐसा हम दे रहे, ओके। तो यहाँ पर मैं कंसोल करके प्रिंट करवा दूँगा, कंसोल करके, और फिर हम यहाँ पर बोलेंगे स्टूडेंट, स्टूडेंट नेम, ओके। तो ऐसा हम बोल दे रहे और फिर प्लस एंड वन, ओके। तो इसको मैं ऐसा कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ नीचे, और फिर यहाँ पर मैं लिख दूँगा स्टूडेंट, ये काम करते हैं, हाँ स्टूडेंट, स्टूडेंट रोल नंबर, ओके। तो यहाँ पर ये चीज़ हमें हमारा जो एक फंक्शन टाइपस्क्रिप्ट का एक फंक्शन बना है जिसके अंदर पैरामीटर हमने पास किया, एक स्ट्रिंग है एक नंबर है, ठीक है, दो पैरामीटर पास किया। ये देखो आप जो पैरामीटर आप पास करोगे उसकी टाइप देनी पड़ेगी, वरना आपको वो स्ट्रिक्टली वो टाइप एक्सेस नहीं हो पाएगी, ओके। तो यहाँ पर मैं आपको नीचे टाइप करके बताता हूँ, और हम यहाँ पर फंक्शन कॉल करेंगे और इसके अंदर आपको आर्ग्यूमेंट देनी पड़ेगी कि आप अपने फंक्शन में यूज़ जो करना चाहते हो। मैं अपना सबसे पहले नाम एलॉन मस्क लेता हूँ, हमारे स्टूडेंट का नाम, और उसका रोल नंबर है 23, ओके। सो
सो गाइस, बैकग्राउंड नॉइस की वजह से वीडियो को थोड़ा पॉज करना पड़ा था। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा था, हम फंक्शन को कॉल कर रहे थे, उसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट पास करवा रहे थे। ओके, तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऐसा सेव कर लेता हूँ वर्कस्पेस सेटिंग में। तो अभी मैं सेव कर दिया हूँ, ये देखो। तो यहाँ पर हमने हमारी फंक्शन हमने दे दी है, जिसके अंदर दो पैरामीटर स्ट्रिंग और नंबर पास किया है, और फिर उसके अंदर कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट नेम ऐसा हम प्रिंट करवा दे रहे हैं। ये चीज़ आपको देख के समझ रहा होगा, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है गाइस। और फिर फंक्शन हमने कॉल किया, उसके अंदर पैरामीटर यहाँ पर हमने आर्ग्यूमेंट यहाँ पर हमने पास किया। तो मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग देता हूँ, तो आपको यहीं पर बता देगा, आर्ग्यूमेंट पास करते वक्त ही बता देगा। ये देखो, आर्ग्यूमेंट टाइप जो है वो स्ट्रिंग इज नॉट, मतलब स्ट्रिंग नहीं है, वो नंबर है, बराबर। तो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हो जाता है, स्ट्रिक्टली बहुत एक्शन लेता है टाइपस्क्रिप्ट एक स्ट्रिंग और नंबर पे। फंक्शन में भी हमने वेरिएबल में देखा था, ठीक उसी तरह फंक्शन में भी करता है वो। ओके, तो मैं यहाँ पर सेव करता हूँ। ये देखो, स्टूडेंट नेम एलोन मस्क, स्टूडेंट रोल नंबर 23। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ आ चुकी है। तो हम पैरामीटर वाला फंक्शन भी यहाँ पर देख लिए, तो आपको टाइपस्क्रिप्ट वाला फंक्शन अभी आपको समझा होगा। ओके, तो मैं यहाँ पर एक और थोड़ा सा सम दे देता हूँ, और इसको भी मैं नंबर डाल देता हूँ, और यहाँ पर मैं N1 और N2 ऐसा डालता हूँ, N3 लेता हूँ। ओके, और फिर कॉमा डाल के N3। ओके, तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट यहाँ पर हमने सम डिक्लेयर तो कर दिया, सम इज डिक्लेयर्ड बट वैल्यू नेवर रीड, कहीं पर भी रीड नहीं हो रहा है, तो उसे हम रीड करवा देंगे ना गाइस। इसके अंदर सम डाल के हम उसे रीड करवा देंगे। ये देखो, टाइप स्ट्रिंग, और ये हमें बता दे रहा है कि टाइप स्ट्रिंग है वो। ये देखो, टाइप स्ट्रिंग नॉट असाइनेबल टू बी नंबर, हम उसे दे कहाँ रहे, वो स्ट्रिंग ही तो है, इसे हम नंबर देते हैं। ओके, तो N1, अच्छा, N1 जो है, N2 हम दे देते हैं। ओके, तो अब सही है। ये देखो, हम यहाँ पर N1 दिए थे तभी वो बता रहा था हमें, तो उसे हम यहाँ पर प्रिंट करवा दिए हैं, और फिर यहाँ पर एक और हम पास करवा देते ऐसा। ओके, तो अभी यहाँ पर ये फंक्शन है ना, थोड़ा मल्टीपल लॉजिक यहाँ पर अप्लाई हो रही है गाइस। हम जैसा, ये देखो, हमने यहाँ पर फंक्शन यहाँ पर बनाया स्टूडेंट नेम का, जिसके अंदर एक स्ट्रिंग पास किया, नंबर पास किया, नंबर दो नंबर पास किए। ओके, N1, N2, N3, और यहाँ पर N2 और N3 को लेकर हम इस यहाँ पर सम बना रहे। ओके, और नीचे कंसोल करवा के स्टूडेंट नेम ले रहे, और N1 को और N2 को N2 रोल नंबर ले रहे स्टूडेंट का, और फिर यहाँ पर ये जो सम यहाँ पर बना रहे, उस सम को यहाँ पर प्रिंट करवा दे रहे। और जब हम यहाँ पर नीचे फंक्शन को कॉल करवा ले रहे, तब हमने सारे आर्ग्यूमेंट्स पास करा दिए, पहले स्टूडेंट का नेम और ये स्टूडेंट का रोल नंबर। बट स्टूडेंट का मतलब यहाँ पर तो ये कुछ भी नहीं है, बस नॉर्मली नंबर है, स्टूडेंट का कुछ लेना देना नहीं है वो, ठीक है। लेकिन वो रोल नंबर और इस नंबर को ऐड करके यहाँ पर हमें सम प्रिंट करवा देगा। तो मैं सेव करता हूँ और मैं रन करता हूँ, और यहाँ पर आपको डायरेक्ट आउटपुट मिलेगा। ओके, ये देखो, 47, 23 प्लस 24, 47, स्टूडेंट का नेम आ गया, स्टूडेंट का रोल नंबर आ गया, और हमारा सम भी आ गया। ओके, तो हम कुछ मल्टीपल लॉजिक अप्लाई करके देखें, बस एक बेसिक लेवल ही है गाइस, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। ओके, तो अभी आपको फंक्शन समझा होगा, टाइपस्क्रिप्ट का फंक्शन क्या है, कैसे यूज़ करना है, क्या चीज़ करनी है, और किधर एरर आएगा, आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, एनी यूज़ कर लो अगर ज़्यादा आपको डाउट है तो। ओके, तो अगर थोड़ा सिक्योरिटी पर्पस है तो थोड़ा अननोन यूज़ कर लो, बाद में इनिशियलाइज़ कर देना, रीइनिशियलाइज़ कर देना। ओके, तो ये सब भी चलता है गाइस। तो फिलहाल मैं यहीं पर वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ, ये आउटपुट देख लेते हैं, आ चुका है हम अननोन टाइप यूज़ करके भी। ओके, तो वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, आपको होप्स होगी फंक्शन समझा होगा, बहुत सिंपल टॉपिक था, ज़्यादा कुछ टफ नहीं था, और बीच में वीडियो को पॉज भी करना पड़ा था तो हम देख लेते थे, ठीक है। तो कोई नहीं, तो वीडियो को आप लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।